गाइस सब लोग ज्वाइन हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं अपन है ना आपको आवाज आ रही प्रॉपर मेरी आपको आवाज आ पा रही सभी लोग कमेंट करो जल्दी है, ठीक है गाइस बस दो एक सेकंड का टाइम लेंगे क्योंकि गाइज बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं मैं प्रीशेड्यूल नहीं कर पा रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से दो मिनट वेट कर लेते सब लोग स्टार्ट करते हैं बस टू टू सेकंड का वेट और आई होप कि बुक कब मिलेगी विकास चौधरी बुक मिल जाएगी भाई सबको बुक मिलेगी जो अभी आउट ऑफ स्टॉक है वो भी स्टॉक में आ जाएगी और जिसको ऑलरेडी कुरियर एड्रेस पे सेंड की हुई है उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा थोड़ा सा टाइम लगेगा सबको मिल जाएगी विलेज एरिया में थोड़ा सा लगता है भैया टाइम है जय जयराम जी की जयराम जी की भाई इंडियन आर्मी लव राम है तो हमें <laughs> हेलो गुड इवनिंग भैया गुड इवनिंग भैया हाँ डेफिनेटली यार भाई आई एम नॉट अ टीचर आई एम योर ब्रदर ठीक है फालतू की बातें कर रहा हूँ क्योंकि सब लोग स्टूडेंट ज्वाइन हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं <laughs> जय श्री राम सोनू सोनू शर्मा भाई जय श्री राम 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 भाई राम राम पीयूष पंडित चलो गाइज स्टार्ट करते हैं ठीक है आंसर आंसर कीजिएगा सब लोग बार बार मैं आंसर देखने नहीं जाऊंगा ठीक है और उल्टी सीधी बातें प्लीज कमेंट में मत कीजिएगा जो काम की बात है वही कीजिएगा तो गाइज ये सीरीज स्टार्ट हो रही है जैसे कि आप लोग देख रहे हो पार्ट वन पहली चीज तो ये क्या है पार्ट वन है इसमें हम लोग बेसिकली गाइज मैं इसका वन मिनट मैं एक मार्कर ले लेता हूँ ताकि आप लोग को समझा पाऊजिली मार्कर वन हो हो गया. गया मिनट मुझे लगी हुई है चोट वगैरह मुझे फीवर वगैरह था स्टिल मैंने टेबलेट वगैरह ली फिर भी मैं अभी आपको वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कल भी नहीं ले पाया परसों भी नहीं ले पाया मैंने प्रॉमिस किया था डेली लाइव क्लासेस ये जो है हॉस्पिटल का संपूर्ण ज्ञान देखो गाई इसमें मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि पेशेंट ही पेशेंट हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल नहीं हॉस्पिटल का मतलब है मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हो नर्सिंग फार्मेसी डीएमएलटी बीएमएलटी एक्सरे ऑपरेशन थिएटर सभी बच्चों के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम जैसे कि नोर हुई सी एच हुई एनएचएम हुई ग्रुप फाइव की एग्जाम हुई और अदर फार्मेसी से रिलेटेड एग्जाम हुई ये सारी चीजें हम लोग इनमें देखेंगे ये मिक्स है जैसे कि मैंने बोला नर्सिंग को भी है जीएनएम को भी है फार्मेसी वाले बच्चों को भी है इन सबको ये इंपॉर्टेंट एम

वन uh, मिनट इसको क्लियर करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आता है हिमेटोपोइसिस इन एडल्ट ओकरस वयस्कों में हिमेटोपोइसिस जो होता है कहाँ होती है एडल्ट्स की बात करें एडल्ट्स में कहाँ पर हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस चलती है क्या रेड बोन मेरो में चलती है क्या येलो बोन मेरो में चलती है स्प्लीन में चलती है या लीवर में चलती है अब बोलोगे सर ऐसे बच्चों जैसे क्वेश्चन तो हमको आते मुझे पता है आपको बनते हैं मेरा फर्ज बनता है आपको रिवाइज करवाना चीजों को मैं आपको एक एक पॉइंट रिवाइज करवाऊंगा फटाफट पढ़ लेंगे देखिए इस हिमाटोपोइसिस का मतलब होता है कि ब्लड कोशिकाओं का बनना आरबीसी का बनना डब्ल्यू का बनना ये कहा बनती है तो भाई इसका जो राइट right आंसर हम लोग देख लेते हैं रेड बोन मेरो में बनती है इसमें कुछ मैंने और चीजें भी ली है देखिएगा इन ह्यूमन टू टाइप ऑफ बोन मेरो प्रेजेंट सबको पता है दो प्रकार के बोन मेरो होते हैं कौन कौन से भैया लाल बोन मेरो पीला बोन मेरो रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो क्या क्या होते हैं दोनों में बताता हूँ थोड़ा सा देखिएगा इधर लिखा है मैंने रेड बोन मेरो में देखिएगा रेड बोन मेरो रक्त में बनती है दूसरी चीज येलो बोन मेरो जो येलो बोन मेरो ये फेट कोशिकाएं बनाता है अब देखो इसकी लोकेशन भी ध्यान रखना है कि कहाँ कहा पे होता है देखिएगा ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है जैसे कि आप देख पा रहे हो गए, और ये उमर के हिसाब से एज के अकॉर्डिंग जैसे कि मैं बात करूँ जीरो से वन ईयर तक के बच्चों में जो रेड बोन मेरो है कुछ इस तरह से बनता है बीच में होता है येलो जब बच्चा एक से पाँच साल का हो जाता है तब आ, येलो बोन मेरो सेपरेट होता है यहाँ यहाँ पे आपका रेड होता है फिर उसके बाद जो एंड पॉइंट याद रखना एडल्ट के अंदर जो एंड पॉइंट होता है लॉन्ग बोन के वहाँ पे बनता है और आ, उसके बाद आगे देखो यहाँ पे वन मिनट ग ये टेन टू सिक्सटीन ईयर में यहाँ बनता है ठीक है ऑलमोस्ट सेम ही ये कोई डिफरेंट नहीं है एक क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बुजुर्ग होते हैं एडल्ट से एज मतलब से निकल जाते हैं बुजुर्ग होते हैं उनमें हमेशा जो बोन मेरो बनता है फ्लैट बोन्स वगैरह में बनता है ये चीज ध्यान रखना बेसिक क्वेश्चन है तो इसका जो राइट आंसर सब लोग मार्क कीजिएगा देखूंगा बाद में किस किसने राइट आंसर दिया इसका जो राइट आंसर होगा रेड बोन मेरो आगे बढ़ता हूँ इसमें अब आता है आपका रेड बोन मेरो यह हो चुका है ठीक है दूसरा आता है आपका अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द मेन मसल ऑफ इंस्पिरेशन ठीक है इंस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन भी आप कहो मतलब श्वसन लेने में मैंने सांस ली तो जब इनहेलेशन होगा तो कौन सी मांसपेशी कौन सा मसल्स ज़्यादा काम करेगी डायफ्राम काम करेगी और रेटिकुलोसाइट काम सॉरी रेक्टस एबडोम एब्डोमिनस काम करेगी या फिर स्क्लेनियस एंटीरियर काम करेगी या फिर इंटरनल काम करेगी इनमें से जल्दी आप मुझे कमेंट करके बताओ एक बार मैं चेक करता हूँ आप लोग कमेंट कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो जल्दी कमेंट करके बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका डाइफ्राम हाँ ऑलमोस्ट बच्चे राइट आंसर करेंगे क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा वो नहीं है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज आगे बढ़ता हूँ डायफ्राम ठीक है अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा जब भी हम शोषण करते हैं जब भी हम रेस्पायरेशन करते हैं तो क्या होता है जब भी हम रेस्पायरेशन करेंगे सांस ली हमने तो क्या होगा यहाँ पे प्रोसेस ये ऊपर जाएगा ये लिखा हुआ गाइज इन्हेलेशन जब हम इन्हेल करेंगे जब एक्सलेशन करेंगे तब क्या होगा Uh, जब इन्हेलेशन करेंगे हम लोग इन्हेलेशन में ये डाउन होता है एक्सलेशन में आप पार चले जाए ठीक है बेसिक सा क्वेश्चन था याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लीडिंग डिसऑर्डर बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा है गाइस इनमें से इनमें से वन मिनट गाइस इनमें से आ, कौन सा आ, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है ठीक है जल्दी से आप कमेंट करो मैं थोड़ा सा टेम्परेचर सेट कर लेता हूँ ठीक है गई जल्दी आंसर करो मुझे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लीडिंग डिसऑर्डर इनमें से कौन सा एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर का विकार यानी कि उसका कारण ल्यूकेमिया एनेमिया हिमोफीलिया या फिर ल्यूकोपिनिया इनमें से क्या आंसर होगा गई देखो सिंपली मैं बताता हूँ इसको पहले इसको देखो इसका तो राइट आंसर होगा गाइस हीमोफीलिया हीमोफीलिया एक बीमारी होती है बीमारी कौन सी ब्लीडिंग डिसऑर्डर ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्या देखो क्या होता है कि जो हमारे फैक्टर होते हैं बॉडी में है ना उनकी कभी कभी अनियमितता आगे पीछे जब होते हैं तब हमारे बॉडी में क्या होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हमारा जो ब्लड है छोटा सा कट लगने पर भी ब्लड बहुत बहता है जैसे कि इट इज ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन डिस ब्लड डज नॉट क्लोट जिसमें क्या होता है रक्त जमता नहीं है खून निकलता ही जाता है ठीक है ड्यू टू स्मॉल कट लॉस ऑफ सो मेनी ब्लड बोल रहा है कि भैया इस बीमारी में यानी कि हीमोफीलिया की जो बीमारी है इसमें बहुत ज्यादा रक्त प्रवाह होता है मरीज का बहुत ज्यादा ब्लड निकलेगा ठीक है नोट्स कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके लिए जो यूज जो टेस्ट हम लोग यूज करेंगे इंपॉर्टेंट पहला आता है आपका पीटी पीटी का नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम एक होता है आपका एपीटटी

लॉस हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ता हूँ मैं इसको क्लीन करके थोड़ा सा मैं बोलने में डगमगा रहा हूँ रीजन ये है क्योंकि मैंने कहीं मेडिसिन वगैरह ली हुई है अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए थोड़ा बहुत हो रहा प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड है ना आगे बढ़ता हूँ मैं इसका जो राइट आंसर लगा लो कहीं फिर बच्चे बोलेंगे सर राइट आंसर तो बताया करो इसका जो हमने बताया हिमोफीलिया इज़ अ राइट आंसर ठीक है right answer, आगे बढ़ रहा हूँ मैं नेक्स्ट आता है आपका है ना ब्रोथलिनस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन है ना ब्रोथलिन जो ग्लैंड होती है ग्रंथि होती है जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है और इसका काम क्या होता है ठीक है जल्दी से कमेंट करके बताओगे इस मुझे ब्रोथलिन ग्लैंड कहाँ पे होती है कौन कौन कहाँ भाई ये फालतू तो बातें मत करो कौन कौन कहाँ से कौन कौन कहाँ से नहीं आप आंसर दो मुझे ठीक है आदित्य आदित्य गौतम प्रियंका प्रियंका विश्वकर्मा सतीश भाई इसका आंसर दो जल्दी जल्दी आप लोग मुझे क्या हो सकता है ग्रीवा डेफिनेटली क्योंकि इसका जो राइट right आंसर होगा क्लीन करके आगे बढ़ता हूं मैं इसका जो राइ राएंस, राइट आंसर होगा वेजाइना के अंदर ही उपस्थित होती है काम क्या करती है ल्युब्रीगेट करती है वेजाइना को लिखा हुआ बर्कलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ईच साइड ऑफ किडनी सॉरी ईच साइड ऑफ वेजाइना ठीक है मैंने डायग्राम यूज नहीं किया रीजन ये है क्योंकि उसमें क्या होता है फिर येलो सिग्नल वगैरह आता है तो वो चीज़ नहीं कर पाते ठीक है थीके? तो जिस टाइप से वेजाइना होती है इसके दोनों साइड पर यहाँ पे, पे बाहर की साइड पर प्रेजेंट होती है और ये ल्युब्रीगेट करती है दूसरा चीज है इट प्रोड्यूस फ्लूट विच हेल्प टू लुब्रिकेशन में फ्लूट प्रोड्यूस करती है जो कि लुब्रिकेशन में मदद करता है तो इसका इज राइट आंसर हो जाएगा आपका यो नहीं। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड बेसिक बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है जल्दी से कमेंट करके बताओ सबको पता है जो पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है वो होता है हमारा बंडल ऑफ हिल्स क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या बंडल ऑफ हील्स होता है या फिर एवी नोड होता है या फिर प्रोकेंजिंग फाइबर होता है या फिर ऐसे नोड होता है जल्दी बताओ क्या मैं सही बोल रहा हूँ कमेंट करके बताना

ग्रुप देखिएगा ये बहुत ही सिंसियर ब्लड ग्रुप वाला ना आपने जहाँ गलती करी डॉक्टर हो फार्मेसी वाले हो नर्सिंग स्टाफ हो जहाँ आपने गलती करी वहां पे मरीज निपट गया ब्लड ग्रुप में रिस्क लेना ही नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं लेना आपको अगर इंफॉर्मेशन है कंफर्म हो तो काम करो वरना डिस्कस कर लो किसी से भी डिस्कस कर लो एक बार पूछा करो ब्लड ग्रुप के मामले में यूनिवर्सल डोनर बिलोंग टू दी जो यूनिवर्सल डोनर होता है सबको पता होना चाहिए क्या वो ओ पॉजिटिव होता है या ओ नेगेटिव होता है बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पॉजिटिव नेगेटिव देखिएगा इसको मैं क्लियर कर देता हूँ आपको इसका जो राइट आंसर पहले बता दो ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव को हम लोग यूनिवर्सल डोनर मानते हैं क्योंकि ओ, नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप किसी को भी दिया जा सकता है पहली चीज तो ये और यूनिवर्सल रिसीवर किसको मानते हो भैया एबी नेगेटिव को या पॉजिटिव को जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर बताना आप लोग मुझे कमेंट करके मैं पढ़ूंगा बट अगर बात करूँ यूनिवर्सल डोनर की ऐसा ब्लड जो सब ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है वो हम ए ब्लड ग्रुप वाले को भी दे सकते हैं बी को भी दे सकते हैं ए बी को भी दे सकते हैं ठीक है और वो हम लोग ओ वाले को भी दे सकते हैं पॉजिटिव को दे सकते हैं नेगेटिव को दे सकते हैं अगर मैं बात करूँ गाइज कि ओ पॉजिटिव अगर आप बोलोगे सर ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर है तो गाइज जब ये पॉजिटिव ब्लड आप ओ ए नेगेटिव वालों को दोगे ना तो प्रॉब्लम आएगी आप इसको केवल पॉजिटिव वाले को किसी भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में दे सकते हो चाहे ए पॉजिटिव हो बी पॉजिटिव पॉजिटिव हो 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 आप दे सकते परंतु ओ नेगेटिव वाला ब्लड केवल आप आप किसी किसी ओ नेगेटिव नेगेटिव तो आप किसी में भी दे दो क्योंकि वो नेगेटिव हो, उसमें डी एंटीजन उपस्थित नहीं रहता है यह बेसिक सा फंडा है यह चीज ध्यान रखना यूनिवर्सल रिसीवर हमारा ए भी होता है और डोनर की बात करें जो दाता होता है डोनर होता है हमारा ओ नेगेटिव क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता हूँ इसका राइट आंसर मैंने बता दिया था ओ नेगेटिव देखिएगा आता हमारा, एवरेज लॉस इन द नॉर्मल मैंश्योर साइकिल देखिए ब्लड का कितना लॉस होता है एक सामान्य मासिक धर्म में एक चक्र में फीमेल के अंदर कितना लॉस ऑफ हो ब्लड होता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ 50 से 100 एम के आसपास क्या होता है एक मेन्श्योर साइकिल में फीमेल का ब्लड लॉस होता है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जामों में और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछते गए ठीक है बहुत बार अलग 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 एग्जामों में ग्रुप फाइव में पूछ लेंगे आपसे आपसे सी एच ओ वगैरह में एनएचएम में पूछ लेंगे इस तरह के क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन कभी कभी नोट सेट में भी देखने को मिलेंगे ठीक है क्योंकि बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन कभी कभी क्या कन्फ्यूज कर देते हैं हम लोग हम कन्फ्यूज हो जाते हैं और वो गलत करके आते हैं और कभी कभी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती तो नेगेटिव जाता है तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा इस मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट आता है हमारा हाइपोथाइरडिज्म इन चिल्ड्रन को सबसे पहले चीज़ तो आप ये समझो कि हाइपोथाइरिडिज्म क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने हाइपोथाइरिडिज्म मतलब क्या होता है बच्चों में हाइपो था, हाइपोथाइरिडिज्म जो होता है वो क्यों होता है वो उसका चिल्ड्रन्स में उसका कॉज क्या है कारण क्या है उसको जानने से पहले हमको हाइपोथाइरडिज्म के बारे में समझा दूँ थायराइड हॉर्मोन्स के बारे में सब लोग जानते हो आगे बढ़ते उसको क्लीन करके पहले समझो आप इसको इसका जो आपको क्वेश्चन बता दूंगा हाइपोथायराइडिज्म समझो हाइपोथायराइडिज्म जो चिल्ड्रन में होता है ना गाइस जो हाइपो का मतलब होता है कम हाइपर का मतलब ज्यादा तो ये हाइपोथायराइडिज्म थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन्स जो होता है उसकी कमी के कारण ये दिक्कतें देखने को मिलती है कौन-कौन सी क्या उसको रिकेट्स हो जाएंगे 1 मिनट क्या उसको रिकेट्स होंगे या फिर उसको क्या होता है एक्रोमेगली हो जाएगी या फिर आ, उसका जो राइट आंसर होगा गाइज मैं बता देता हूँ बेसिक सा क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते इसका जो राइट आंसर होगा क्रेटिनिजम्स क्रेटिनिज्म इज़ अ राइट आंसर क्यों देखिए गाइज थोड़ा सा सो एक्सप्लेन करता हूँ मैं इट इज अ कंडीशन क्रेटिनिज्म क्या होता है इट इज अ कंडीशन इन विच डिस्टर्ब्ड ग्रोथ एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द फीटस जो फीटस होता है उसकी जो मेंटल स्टेटस है वो बिगड़ जाता है क्रेटिनिज्म में और क्रेटिनिज्म क्या होता है इट इज ड्यू टू लो लेवल ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स थायराइड हॉर्मोन्स की कमी के कारण आपको हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलेगा और हाइपोथायराइडिज्म का कारण होगा क्रेटिनिज्म्स है ना इस तरह की कंडीशन आएगी मेंटल mental, मेंटली uh, जो हेल्थ है उसमें भी प्रॉब्लम्स आती है और भी अदर प्रॉब्लम आती है गाइस आप लोग कमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो एक बार चेक करता हूँ मैं इसको क्लियर करता हूँ मैं सबको प्रॉपरली आवाज आ रही है कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ठीक है गाइस आप लोग आ, सब लोग ना कमेंट करते राह करो ताकि मुझे समझ में आए अति सुंदर सर जी थैंक यू सी 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 एग्जैक्टली ठीक है आगे बढ़ता हूं मैं ओटी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है गाइस ऑपरेशन वाले स्टूडेंट पूछ रहा है ओटी के लिए भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं ठीक है थीके? यार बेसिक चीजें सबको आना चाहिए देखिएगा टी सेल मेच्योर ये बहुत ही इजी और अच्छा सा क्वेश्चन है कि जो टी सेल होती है वो मेच्योर कहा होती है विकसित कहा होती है देखो बनती कहा है पहले ये बताओ मुझे देखो कोई भी सेल्स ऑफ ब्लड की बनेगी पे डेफिनेटली रेड बोन मेरो में बनेगी बट कहा होती है उसका विकसित कहा होती है क्या वो थाइमस में होती है लिवर में होती है स्प्लीन में होती है या किडनी में होती है गई डेफिनेटली तीस, जो टी सेल होती है टी सेल हमारी थाइमस में ही मेच्योर होती है इसका राइट आंसर ये रहा थाइमस थाइमस के अंदर वो मेच्योर होती है थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल आप लोग समझ लो देखिएगा थाइमस क्या होती है टी सेल फॉर्म बाय बोन मेरो एंड इट मेच्योर इन थाइमस ग्लैंड देखो टी सेल होती है फॉर्म marrow में बनती है और थाइम, थाइमस ग्रंथि में विकसित होती है ठीक है दूसरी चीज है दिस सेल इज मेमोरी बेस्ड सेल एंड इट इज ऑल्सो इफेक्ट ट्यूमर कोशिका ये ट्यूमर वगैरह होता है ना उसको भी इफेक्ट करके ट्यूमर कोशिकाओं को भी ये मारती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन प्रोड्यूस करती है इट इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट देखो लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट है ना टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखिएगा ओ पॉजिटिव ये फिर ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन लिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस ब्लड ग्रुप का बहुत कंफ्यूज करता है मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करूंगा ओ पॉजिटिव गाइज ये नंबरिंग मत देखना चौदह आ गया चौदह के बाद अट्ठारह आ गया ऐसा हो रहा है क्यों क्योंकि कहीं कहीं हमने एमसीक्यू गायब कर दी जो मतलब यूज नहीं थे इसलिए तो वो नंबरिंग मिस्टेक हुई उसको मत देखो आप क्वेश्चन को पढ़ो ठीक है देखेगा ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नॉट अवेलेबल इन ब्लड बैंक विच ब्लड ग्रुप इज बी गिवन टू पेशेंट बोल रहा है पहली चीज समझे क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजिंग है बोल रहा है ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इज नॉट अवेलेबल इन ब्लड बैंक पहली बात तो बंदे ने ये बोल दी है कि भैया पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या समझना है कि ब्लड ग्रुप दिया किसको जा रहा है समझ रहे हो बात को इसमें ब्लड ग्रुप किसको चढ़ा रहे हो आप उसके बाद क्वेश्चन समझ में आएगा तो भैया बंदा बोल रहा है बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इज नॉट अवेलेबल इन द ब्लड तो डेफिनेटली बी ओ पॉजिटिव सॉरी ओ, ओ पॉजिटिव की बात है मैं कंफ्यूज ओ पॉजिटिव अवेलेबल नहीं है तो ओ पॉजिटिव अवेलेबल नहीं है मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि ओ पॉजिटिव वाले मरीज को ब्लड चढ़ाना है और हमारी ब्लड बैंक में ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है ही नहीं तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में आप क्या करोगे ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में तो विच ब्लड ग्रुप गिवन मरीज को क्या ब्लड ग्रुप दोगे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है तो देखो आप उसको बी पॉजिटिव यदि ब्लड ग्रुप दे दोगे ओ वाले को तो झंझट तो दिया जा सकता है। तो ये हो गया गलत। ए बी भी, भी, भी नहीं दे सकते ओ नेगेटिव दे सकते हैं क्योंकि ओ वाले ब्लड ग्रुप को केवल ओ ही चढ़ता है और यह भी ध्यान रखना आप ऐसा मत करना कि ओ पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है सॉरी बन मिनट गए ओ नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप है वो लेब में ओ नेगेटिव ब्लड है ही नहीं तो ये मत करना तुमको पता लगे मरीज को ओ पॉजिटिव चढ़ा दो निपटारा हो जाएगा भाई साहब ये गलती कभी मत करना क्यों क्योंकि भैया ये नेगेटिव है इसकी देखो एक, एक बेसिक सी चीज बताता हूँ गाइज प्लीज बोर मत होना मेरी वीडियो में मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट बोर होता होगा देखिएगा मैं बेसिक सी बात कर रहा हूँ ये ओ ब्लड ग्रुप है ठीक है भैया ये भी ओ ब्लड ग्रुप है तो इसके अंदर ओ एंटीजन यानी कि जीरो एंटीजन है ये समझ लो एंटीजन है ही नहीं इसके अंदर ओ एंटीजन है बट इसके अंदर ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप है अब ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में डी एंटीजन भी है परंतु इसमें डी एंटीजन नहीं है नेगेटिव में डी एंटीजन यानी कि आर एच एंटीजन नहीं पाया जाता अब इसमें आर एच एंटीजन नहीं है तो बेचारे को तुम मान लीजिए आर एच चढ़ा दोगे इसके पास तो है ही नहीं बचपन से डेवलप नहीं होगा डिटेल से मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि कैसे ब्लड ग्रुप बनते सबको पता है इसके ब्लड ग्रुप क्या होते हैं क्या क्यों नहीं दे सकते और क्यों दे सकते पर ये बनते कैसे है भैया ब्लड ग्रुप बनने का कारण क्या है इसमें डिटेल से वीडियो में जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आने हो इसको समझिएगा तो जो ओ पॉजिटिव वाला है नेगेटिव को आप नहीं दे सकते जबकि नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है किसी को भी चढ़ा दोगे तो गाइज इसका जो जो बेसिक सा राइट आंसर हुआ कि डेफिनेटली भैया हम जो उसको मरीज को देंगे देंगे वो ओ देंगे। क्योंकि ओ नेगेटिव नेगेटिव क्योंकि में कोई झंझट नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव वाले को आराम से चढ़ाया जाता है परंतु पॉजिटिव नेगेटिव वाले को कभी भी नहीं दिया जा सकता इसको क्लीन करके मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी स्कोल्ड यानी कि कोई हड्डी है बिचारी सुक्की बुक्की हो गई दुबली पतली हो गई घनत्व कम हो गया तो उसको कौन सी बीमारी कहोगे क्या ओस्टियोपोरोसिस कहोगे या फिर ओस्टियो कहोगे या फिर जॉइंट स्टिफनेस कहोगे या फिर अर्थराइटिस उसको कहोगे क्या इसका राइट right आंसर मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा मैं देखूंगा बाद में बाकी मैं समझा देता हूँ right इसका जो राइट आंसर होगा इसका होगा ओस्टियोपोरोसिस ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा बता देता हूँ इट इज़ द कंडीशन इन विच बोन बिकम वेरी वीक बेचारी बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाती है इसको मैं एक्सप्लेन यहाँ से कर देता हूँ पहली चीज यह है नॉर्मल बोन यह है आपके मतलब जिसके घनत्व कम हो गया है वो वाली बोन देखो नॉर्मल बोन में क्या होता बहुत ज्यादा आपको गैप नहीं दिख रही होगी परंतु इसमें देखोगे तो बहुत ज्यादा गैप दिख रही है घनत्व कम हो गया इसका इस तरह से ठीक है तो इसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं इस चीज को आप लोग माइंड में रखिएगा ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस राइट right आंसर आगे बढ़ता हूँ गई आप लोग सभी लोग कमेंट करते रहिए और जो वीडियो देख रहे हैं अभी लाइक ठोक के मारना वीडियो पे पर लाइक होनी चाहिए वीडियो को ठीक है सब्सक्राइब करने से मतलब नहीं अगर लिटरली आपको चीज़ें समझ में आती है ना चीज़ें पसंद किया करो ठीक है आपकी भी तो कोई पसंद होती है, है ना आगे बढ़ता हूँ मैं आगे बढ़ता हूं मैं आप देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस समझ लिया हमने एक्सिस एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल साल्ट इन द बॉडी कोर्स यदि किसी मरीज को समझिएगा गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं कभी कभी ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं कि उसका बाइल साल्ट बढ़ गया तो उसके शरीर में क्या होगा उसका राइट आंसर बता दूं मगर इसको खुजली होगी यदि बाइल साल्ट ज़्यादा बढ़ेगा तो जो पेशेंट है उसको ज़्यादातर ईचिंग होगी कोई भी मरीज जैसे सेंसिटिव आपको लगे जिसको बॉडी में सडनली इचिंग वगैरह होनी है ना तो पहली बार उसको एक बार बाइल साल्ट टेस्ट करवाना चाहिए तो बाइल साल्ट से एक्चुअल में पता लगता है कि बाइल साल्ट का लेवल अगर बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाता है तो ये कंडीशन देखने को मिलती है बेसिक क्वेश्चन है राइट याद रखिएगा आप लोग आगे बढ़ते इचिंग राइट आंसर बता दिया मैंने हेयर ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है हेयर कलर इन ह्यूमन टर्न वाइट ड्यू टू एबसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट मतलब एक कौन सा पिगमेंट का मतलब कलर वर्णक मतलब जो किसी चीज़ को कलर करे आप एशियन पेंट ले लो पेंट क्या करता है कलर करता है ठीक है इसी प्रकार से आप ये कलर करेगा जो वर्णक है ये कलर करता है ठीक है कौन सा वर्णक अनुपस्थिति के कारण मानव में बालों का रंग सफेद हो जाता है ऐसा कौन सा कौन सा ऐसा वर्णक है जो कि हमारी त्वचा चमड़ी बाल हेयर इनको कलर प्रोवाइड करता है वो देखोगाइज बेसिक सबको है गाइज वो होता है हमारा मेलेनिन होता है ठीक है मिनट मिनट राइट आंसर इसका मेलेनिन ठीक है इसका एक्सप्लेनेशन बताने की जरूरत नहीं मेलेनिन बेसिक चीज है जो कि हेयर का कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आगे बढ़ता हूं मैं विच आयन हेल्प इन बॉडी टू ग्लोटिंग यह भी बहुत बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि भैया ऐसा कौन सा आयन होता है जो कि क्लोटिंग में मदद करता है जल्दी से कमेंट मारो तो मैं देखता हूँ जरा कौन कौन राइट right आंसर कर रहे हैं ठीक है थीके? जल्दी से कमेंट करो इसका राइट right आंसर कि भैया कौन सा आ, होता है रिस्पॉन्सिबल क्लोटिंग के लिए कौन सा आयन क्लोटिंग के लिए इस प्रोस रिस्पॉन्सिबल होता है uh, कुछ बच्चे ए बता रहे हैं ए कैल्शियम जल्दी जल्दी बताओ ठीक है मुकेश कुमार राइट आंसर पिंकी पिंकी आप गलत हो ठीक है दिस मैसेज इज फ्रेंड तो कुछ गाइज है ना यहाँ पे स्टूडेंट कुछ ऐसे भी है जो पता नहीं गलत गलत बातें बोल रहे थे उसका रिव्यू में चला जाता है उसका मैसेज नहीं आता राइट डेफिनेटली गाइज इसका जो पोटेशियम पोटेशियम जो होता है क्लोटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है इस चीज को आप लोग ध्यान रखना पोटेशियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द क्लोटिंग ठीक है आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ह्यूमन स्टमक विच इज कनेक्टेड टू द द्वाइंट ऑफ इसोफेगस इसोफेगस मतलब नली जो हमारे खाना लेकर जाती है ठीक है फूड पाइप जिसे हम लोग कहते हैं ठीक है मानव मानव पेट आ, पेट के उस भाग को पहचानिए जो कि स्टमक जो है वो कौन से भाग से ऊपर वाला कनेक्टेड रहता है ये बेसिक सा क्वेश्चन है गाइस आपको नाम याद रखना है इसे क्वेश्चन कर लेते कभी का फंडस कार्डियक या फिर बॉडी या फिर फंडस 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 डबल हो गया क्या गाइस हाँ गाइस थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ की जगह फंड ये यह फंडस यहाँ पे बॉडी होता है यहाँ पे फंडस आ गया गलती से ये मिस्टेक हो गई है इसका राइट right आंसर मैं बता दू इस फंडस ठीक है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है वहां पे मैं टाइपिंग हो जाता है कभी कभी गाइस समझ सकते हो इसका मैं आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा समझिएगा ये क्वेश्चन पूछा है कि स्टमक के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं जो हमारे से कनेक्टेड रहता है राइट right आंसर होगा फंडस देखिएगा गाइस ऊपर वाला भाग है यह हमारा फंडस होता है ये इसकी बॉडी होती है स्टमक की ठीक है उसके अलावा पाइलोरस रीजन होता है पाइलोरस ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि पाइलोरस कहा इंटेस्टाइन से कनेक्टेड रहता है और ये क्या कार्डिया कार्डिया रीजन ये कार्डिया रीजन भी यहाँ पे होता है ये चीज को ध्यान रखना आगे देखते हैं हाँ द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब इन द ग्रेटेस्ट इन हिंदी बॉडी ग्रेटेस्ट इन हिंदी बॉडी वन मिनट गाइस आंसर देख लिया होगा आपने बॉडी शरीर में सबसे ज्यादा जो अवशोषण होता है वो दवाइयों का अवशोषण सबसे ज्यादा कहां पे होता है जो हायर स्पीड रहती है बहुत ज्यादा होता है तो गाइस लार्ज इंटेस्टाइन स्टमक गॉल ब्लेडर स्मॉल इंटेस्टाइन इनमें से राइट आंसर में बताता हूं गाइस को क्लीन करके वो थे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के अंदर छोटी आंत के अंदर सबसे ज्यादा अवशोषण होता है दवाइयों का यह क्वेश्चन भी बहुत बार कभी कभी पूछा जाता है इस चीज को ध्यान रखना दवाइयों का अवशोषण छोटी आंत स्माल इंटेस्टाइन में होता है इन विच ऑर्गन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन अब देखो नेक्स्ट no, क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि जो आयरन का एब्जॉर्न है सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा क्या स्टमक में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन कोलोन इसका भी राइट आंसर कहीं हो जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के अंदर ही आयरन का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा छोटी हाथ में होता है दवाइयों का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा छोटी हाथ में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा

समझा सकूं चीजों को मैं किसी को स्टूडेंट नहीं बोलता मैं ऐसे नहीं बोलता बेटा यह चीज़ समझो बेटा यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे जो पढ़ रहे हैं मेरे से काफी ज्यादा एज वाले लोग भी हैं जो इन चीजों को पढ़ रहे हैं तो गैस देखिए सरकारी स्कूल है इसलिए हो जाती है कभी कभी गलतियां ट्राई टू अंडरस्टैंड समझेगा और जो जो लोग गालियाँ है देते हैं ना मैं कभी ध्यान नहीं देता मुझे बहुत सारे लोग गाली देते अबे पढ़ना तो सीख जा क्या है पढ़ाने आ गया भैया मेरे को शौक है पढ़ाने का मैं इसलिए बच्चों को मतलब मेरे भाइयों को शेयर करता हूँ चीज़ें ओ भाई सरकारी स्कूल है तो होती है यार हाथ तंग रहता है सबको पता है इतने अच्छे से प्राइवेट या फिर सीबीएसई स्कूल में नहीं पढ़ाऊं मैं भी ठीक है उसके बाद मेडिकल एजुकेशन किया तो धीरे धीरे इंग्लिश कवर हो गई है पर समझ जाएगा आप लोग ठीक है बोल दिया मैंने ठीक है फोलिक एसिड इसका जो राइट right, जो मेच्यूरेशन होता है मेचुरेशन जो आरबीसी का जो डिफेक्ट होता है वो दोष उसके मतलब क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है आरबीसी अगर ढंग से नहीं बनेगी तो क्या फोलिक एसिड एंड विटामिन बी की डेफिशियंसी हो सकती है क्या विटामिन सी की डेफिशियंसी हो सकती है या विटामिन डी की डेफिशियंसी हो सकती है या फोलिक एसिड डेफिशियं इसका राइट right आंसर बता दू इसका होगा ए फोलिक एंड विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है होती है जब भी आपके आरबीसी में कोई प्रॉब्लम्स आएगी बोन बेरो में से ठीक से नहीं बनेगी तब ठीक है फोलिक एंड आई होप के गाइज आपको आज की वीडियो में इतना समझ में आएगा मैं इसी तरह से बेसिक नॉलेज आपको लेकर आता रहूंगा और सुनो सुनो जरूर एक मिनट रुको वीडियो बंद करने से पहले मैं डिस्क्रिप्शन में अभी अभी लिंक लिंक नहीं अभी जस्ट मिनट में लिंक डाल रहा हूं। या फिर आप सर्च कर लो इंडियन मेडिकल लेक्चर टू पॉइंट ओ मेरा ही इमेज डाला है वहां पर दूसरी क्लास भी लाइव होगी कौन कौन बच्चे आए गए नर्सिंग वाले आ जाओ जीएनएम वाले आ जाओ और डीएमएलटी बीएमएलटी को स्पेशली बुला रहा हूं वहां पे ग्रुप फाइव की प्रिपरेशन के लिए जो एमसीक्यू है मैं वहां पे लेने वाला हूँ इंडियन मेडिकल लेक्चर टू पॉइंट O के नाम से YouTube पे सर्च करना अपना ही चैनल है आप लोग आओ वहां पे, पे बहुत सारी स्टडी से डेफिनेटली तो आप लोग आ जाओ वहां पे जल्दी से इंडियन मेडिकल लेक्चर टू लिखना तो इजिली यूट्यूब पे आ जाएगा अपना नाम ऊपर ही ऊपर मेरे इमेज डला है टू लिखा हुआ है ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर